हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं राम तिवड़ी, आप सभी का क्लास 24 राजस्थान पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं भाई। आशा और उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार जानदार बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। और देखो दोस्तों, आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों, मुझे पता है जो कैलेंडर सरकार ने जारी किया, दिनेश बोर्ड ने, उसमें सारे एग्जाम 2024 में चले गए हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो क्या हुए हैं, निराश हुए हैं। बहुत सारों का मैसेज आया मेरे पास, तो बिल्कुल भी मैं आज बोलता हूँ आपको, बिल्कुल निराश नहीं होना है। हम बिल्कुल भी निराश नहीं हो रहे हैं, डिमोटिवेट नहीं हो रहे हैं पढ़ाने में। तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं होना है, लगातार पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। आज नहीं तो कल हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमारी रैंक आएगी। क्या आएगी? हमारी रैंक आएगी। अब हम किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं? रैंक के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। इतने दिन किस लिए कर रहे थे? सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमारी रैंक जरूर आएगी। तो बिल्कुल लगातार पढ़ाई करते रहिए। आज की मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। क्लास है आपकी, किसी भी प्रकार का बे और अधूरी इच्छा की हमारी दुखों का कारण है। स्वामी विवेकानंद जी ने कितनी शानदार बात कही है, किसी भी प्रकार का जो बे होता है ना और अधूरी इच्छा होती है, वही हमारे क्या है, दुखों का कारण होती है। कैसे होती है सर? जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपकी इच्छा क्या, आपकी इच्छा है गवर्नमेंट जॉब लेना, अगर वो नहीं लगती है तो आपकी क्या रहेगी, अधूरी इच्छा रहेगी। तो ऐसी कोई इच्छा हमें अधूरी रखनी नहीं है जो हमारे दुख का कारण बन सके। हमें लगातार पढ़ाई करनी है जिससे हमें क्या हो, बिल्कुल भी दुख नहीं हो, कोई भी कारण हमारे पास दुख का नहीं हो। हमेशा जो हमने सोचा है, हमारी जो इच्छा है वो हमने पूरी की है। इसी मनोवृत्ति के साथ लगातार हमें तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके बीच में आ चुका है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पूछा क्या गया है सर आपको, जो कथन सत्य है ना उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो बताइए फटाफट से कौन सा कथन है वो सत्य है। दिल्ली दौसा लाल सोट सेक्शन का उद्घाटन 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने किया। इस सेक्शन की लंबाई 247 किलोमीटर है। राजस्थान में कुल लंबाई 373 किलोमीटर होगी, जिसमें राजस्थान के 7 जिले जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे भाई? राजस्थान के 7 जिले जुड़ेंगे भाई। हाँ जी भाई, बताइए फटाफट से भाई, आपके सभी सत्य हैं। कौन सा सही जवाब है आपको ये बताना है भाई, फटाफट बताइए कौन सा सही जवाब है। 4 ऑप्शन आपके बीच में दिए गए हैं, तो बताइए फटाफट से सही जवाब क्या रहने वाला है। और आज ये जो क्लास है आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल से अपन लाइव जरूर जुड़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको एक क्लास दे रहा हूँ ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होती रहे। काफी दिनों से करंट नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, गंगापुर से आपकी क्लास हो रही है, तो बिल्कुल आपको मैं क्लासरूम से लाइव पढ़ाऊंगा। बहुत जल्दी आपको क्लासरूम से लाइव पढ़ाया जाएगा, तो बिल्कुल सभी को बेफिक्र रहना है। तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा सर आपका, सभी कथन क्या है, सत्य है। बिल्कुल सभी कथन क्या है, सत्य है। दिल्ली दौसा जो सेक्शन वाला उद्घाटन है वो हुआ था 12 फरवरी 2023 को, प्रधानमंत्री जी ने किया। इसकी लंबाई है 247 किलोमीटर, राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, 373 किलोमीटर होगी, जिसमें राजस्थान के कितने जिले जुड़ेंगे, 7 जिले जुड़ेंगे भाई। कितने जुड़ेंगे? राजस्थान के 7 जिले जुड़ेंगे। और 7 जिले कौन कौन से जुड़ेंगे ये भी हमें पता होना चाहिए सर। तो पहला जिला कौन सा है? अलवर। 7 जिले कौन कौन से हैं? अलवर है और भरतपुर है। तीसरा कौन सा है सर? दौसा है। अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, कौन सा सर? सवाई माधोपुर। और पांचवा है आपका टोंक। अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक और पड़ोसी एक और क्या है, बूंदी आ गया। और 7 नंबर कौन सा आ गया? कोटा आ गया। तो ये 7 जिले क्या है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से क्या करने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं। क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार जानदार बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, निम्न में से कौन सा कथन क्या है सत्य है ये बताना है। मेरा स्मार्क मेड़ता में बनाया जा रहा है, पर्यटन ऐप लॉन्च करने वाले राजस्थान केरल के बाद दूसरा राज्य बना है, नवीन राजकीय संग्रहालय भरतपुर में खोला जा रहा है, या फिर सभी कथन सत्य है। बताइए सही जवाब क्या रहेगा। बहुत ही शानदार जानदार बेहतरीन तरीके से क्या देना है अभी आपको, आंसर देना है। बताइए भाई फटाफट से बताइए सही जवाब क्या रहने वाला है। और मुझे कुछ एक स्टूडेंट के नाम है जो जुड़ते हैं भाई, नीलू जुड़ती है हर क्लास में, आकांक्षा, बादल,
तो बिल्कुल यहां पे सही जवाब क्या रहेगा आपका, सभी कथन सत्य है। क्या है आपका सही जवाब? सभी कथन सत्य है भाई। बिल्कुल, मीरा स्मार कहाँ बनने वाला है? मेड़ता में बनने वाला है। राजस्थान ने पर्यटन ऐप लॉन्च किया, ऐसा करने वाला राजस्थान केरल के बाद क्या बना है? दूसरा राज्य बना है। और नवीन राजकीय संग्रहालय भरतपुर में खोला जा रहा है। और भरतपुर में कहाँ खोला जा रहा है, इसके अलावा आपको पता है भरतपुर राजकीय संग्रहालय है वो कहाँ पे है? कौन सा संग्रहालय? भरतपुर राजकीय संग्रहालय की बात कर रहा हूं। संग्रहालय कहाँ पे है? भरतपुर में। और कहाँ पे? लोहागढ़ दुर्ग में। कहाँ पे है सर? लोहागढ़ दुर्ग में। क्लियर है सर? बिल्कुल सर, आपको क्लियर होगा और होना ही चाहिए। कहाँ पे है? लोहागढ़ दुर्ग में है। तो ये चीज भी अपने को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत कब से हुई है? किसकी? इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत कब से हुई? 5 सितंबर 2023, 10 सितंबर 2023, 6 सितंबर 2023 या फिर 11 सितंबर 2023। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसका सही जवाब देना है, फटाफट से दीजिए सही जवाब क्या रहेगा इसका, सही जवाब क्या रहने वाला है बताओ रहे सभी स्टूडेंट, क्या करना है सर? सही जवाब देना है आपको, क्या देना है? सही जवाब देना है। दो भाई फटाफट से, कब हुई थी इसकी शुरुआत? आपको पता है बहुत ही सस्ता क्या मिलता है, खाना मिलता है इंदिरा रसोई योजना में। शहरी की बात हो रही है लेकिन अब क्या हो चुकी है, ग्रामीण में भी इसकी शुरुआत की जा चुकी है भाई। कब करी इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत करी, बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 10 सितंबर 2023 को करी थी। कब करी थी? 10 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? टोंक में हुई थी। कहाँ से हुई थी? टोंक जिले में, जो निवाई है। टोंक जिले में कौन सा है सर? निवाई क्षेत्र है, ठीक है। और निवाई के अंदर एक जगह है, कौन सी? जिलाई जगह। कौन सी जगह? जिलाई से क्या हुई है, इसकी शुरुआत हुई है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। बहुत शानदार क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली बनने वाला है। 10 सितंबर क्या हुई, इसकी शुरुआत हुई है। और कहाँ से हुई है? टोंक निवाई जिलाई क्षेत्र से इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है भाई। बाकी बताइए। और हाँ, इसमें कितनी रसोई स्टार्ट करी है शुरुआत में? 1000 रसोइयां शुरुआत की गई, 1000 इंदिरा रसोई ग्रामीण शुरुआत की गई है। और बजट कितना रखा है सरकार ने? इसके अलावा कितनी थालियां परोसने का सरकार का लक्ष्य है? तो सरकार का लक्ष्य है 7 करोड़ 30 लाख, 7 करोड़ 30 लाख थालियां परोसने का लक्ष्य है। कितना लक्ष्य है? 7 करोड़ 30 लाख थालियां परोसने का लक्ष्य है। बिल्कुल भाई, ये भी याद रखें। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान पंजाबी भाषा अकेडमी श्री गंगानगर का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजस्थान पंजाबी भाषा अकेडमी श्री गंगानगर का अध्यक्ष किसे बनाया है? आलोक राज को, डॉक्टर राजीव अरोड़ा को, मनिंदर सिंह बग्गा को या फिर कुमार पाल गौतम को? बताइए सही जवाब क्या रहेगा। बिल्कुल सभी का क्या बताना है आपको, सही जवाब बताना है। फटाफट बताइए सही जवाब क्या रहने वाला है। आपको बता है आलोक राज तो कौन बने हैं? आरएसएम एसएसबी के चेयरमैन बने हैं। और राजीव अरोड़ा किसके हैं? आवासन मंडल के चेयरमैन थे ये। आवासन मंडल के क्या थे? आवासन मंडल, ठीक है, ये क्या थे? ये चेयरमैन थे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन बचे आपके पास दो, यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा आपका, मनिंदर सिंह बग्गा क्या बने हैं? राजस्थान पंजाबी भाषा अकेडमी के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं भाई। क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बात करें। आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना किस जिले में की जाएगी? किसकी स्थापना? आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब। कौन सा हब? आई स्टार्ट स्कूल इनोवेशन हब की स्थापना बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या कोटा? बताइए सही जवाब क्या रहेगा। आई स्मार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? बताइए यार भाई सही जवाब क्या रहने वाला है। बिल्कुल सभी बताइए, फटाफट से बताइए सही जवाब क्या रहेगा।
यहाँ पे क्या है, थोड़ा स्टूडियो का सेटअप अलग है। जयपुर से क्लास लेते थे तो भाई पूरा सेटअप बंद था ऐसे, यहाँ पे पूरी क्लासरूम से लाइव हो रही है। और जो कमेंट वाले हैं, एक तो टीवी इधर लग रखी है कमेंट देखने की, और एक सामने इधर लग रखी है भाई। सामने भी एक कैमरा भी थोड़ा ऊपर लगा दिया गया है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप, 2-3 दिन थोड़ा सेटअप हो जाते हैं तब तक भाई। बताइए, आई स्मार्ट आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना किस जिले में की जाएगी, ये पूछा गया है अभी। फटाफट बताइए सही जवाब क्या रहेगा। आई थिंक आपने बता दिया होगा अभी तक, तो सही जवाब रहेगा बीकानेर। क्या रहेगा सही जवाब आपका, बीकानेर में क्या खोली जाएगी, आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना की जाएगी, ठीक है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, उन्होंने कितने रुपए का बजट का प्रावधान किया था सर, 52.26 करोड़ रुपए के बजट की हो क्या दे दी थी, वित्तीय स्वीकृति दे दी। किस लिए दे दी, किसी लिए दे दी भाई, ये दे दी आपके आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना के लिए, बीकानेर में खोलने के लिए 56.26 करोड़ रुपए के जो बजट है उसको क्या दे दी, वित्तीय स्वीकृति दे दी भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा नए पनोरमा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। पनोरमा बना रही है, आपको बताया सरकार लगातार पनोरमा पे काम कर रही है, और सरकार ने इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान भी रखा था इस बजट के अंतर्गत। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन पूछा गया आपको, कहाँ पर नए पनोरमा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, केरू गांव जोधपुर, बंदी गांव बूंदी, छोटा गांव टोंक, या फिर ए वे बी दोनों। बताइए सही जवाब क्या रहने वाला है अभी आपका, फटाफट से बताइए भाई, शानदार जानदार क्वेश्चन बताते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फटाफट बताइए। और लाइक में कंजूसी कर देना तो देखना भाई ठोकूंगा आपको आके वहां पे, ठीक है। लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है भाई, बताइए फटाफट से। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे तो आपको जवाब मिल ही गया है सर, ऑप्शन नंबर ए वे बी दोनों। बिल्कुल क्या सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर ए वे बी दोनों आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। मतलब क्या है आपका, केरू गांव जोधपुर में भी पनोरमा खोला जाएगा, इसके अलावा बंदी गांव बूंदी में भी पनोरमा खोला जाएगा। इसके अलावा आपको पता है वीर दुर्गादास राठौड़ का पनोरमा भी कहाँ खोला गया था, वीर दुर्गादास राठौड़ पनोरमा ये भी कहाँ खोला, जोधपुर में खोला गया। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। G20 शिखर सम्मेलन से पूर्व यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क अमेरिका की किस संस्था के साथ साझा रिसर्च सेंटर बनाने पर सहमति बनी है। G20 शिखर सम्मेलन से पूर्व यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क अमेरिका की एक संस्थान है के साथ, किस संस्था के साथ क्या है, एक रिसर्च सेंटर बनाने पर सहमति बनी, IIT जोधपुर, MNIT जयपुर, IIM उदयपुर, या फिर एम्स जोधपुर। बताइए सही जवाब क्या रहेगा आपका, फटाफट से बताइए सही जवाब क्या रहेगा। सबसे फेमस तो अभी कौन सी है आपको पता है, हमारी कौन सी इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा फेमस है, IIT जोधपुर सही जवाब है। तो याद रखना कौन सी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क प्लस IIT जोधपुर के साथ क्या हुआ है, रिसर्च सेंटर बनाने पर क्या बनी है, सहमति बनी है। बिल्कुल भाई, आगे देखते हैं, राज्य के किस बायोलॉजिकल पार्क के एकमात्र नर शेर रियाज की आंखों का क्या हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, किसका हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, किसका। बायोलॉजिकल पार्क है कहाँ का है, जहाँ का एकमात्र क्या है वो नर शेर है, क्या नाम है उसका, रियाज है। तो बताइए, अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर, माचिया बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर, या फिर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर। बताइए सही जवाब क्या रहने वाला है। और आंखों से ही मुझे ये कहानी याद आती है छोटी सी, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जिसका क्या हो चुका था भाई, एक्सीडेंट हो चुका था, और उसकी क्या चली गई, आंखें चली गई, और वो लंगड़ा हो गया, वो देख नहीं सकता। तो वो चलता किससे था भाई, लकड़ी से चलता था। किससे चलता था, लकड़ी से वो चलता था। तो उस टाइम उसकी सबसे प्रिय वस्तु कौन सी थी, वो लकड़ी थी। क्या थी, लकड़ी थी वो। और थोड़े दिनों बाद में उसने क्या, अपनी आंखों का क्या करा लिया, ऑपरेशन करा लिया। और जब ऑपरेशन करा लिया तो उसने सबसे पहले क्या किया, उस अपनी सबसे प्रिय वस्तु थी उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, आपको भी कोई ना कोई, जब तक
आपकी किसी को जरूरत है ना, तब तक ही वो आपको अपने साथ रखेगा। जिस दिन उसको आपकी जरूरत खत्म हुई, वो तुरंत क्या करेगा, आपको छोड़ देगा। तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। आप सिर्फ लकड़ी बनो, किसकी बनो, अपने माँ बाप की लकड़ी बनो, और किसी की लकड़ी बनने की जरूरत नहीं है। उसी को सहारा देना है, अपने माँ बाप को सहारा देना है। तो इसीलिए अपनी वैल्यू बनाओ, लगातार पढ़ाई करो। किसी के लिए क्या ज्यादा अवेलेबल नहीं रहना है, ठीक है ना। अब अगर वैल्यूएबल बनना है तो अवेलेबल किसी के लिए मत रहो, सिर्फ माँ बाप के लिए रहो। बहुत बढ़िया, यहाँ पर सही जवाब क्या रहेगा, माचिया बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर, आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, देश का दूसरा वह राज्य का पहला एच आकार ओवर ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हो चुका है। कौन से आकार का एच आकार का ओवर ब्रिज कहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है, बताइए। कोटा, जयपुर, जोधपुर, श्रीनगर, सॉरी श्री गंगानगर, बताइए फटाफट से। कोटा, जयपुर, जोधपुर या फिर श्री गंगानगर, बताइए। एच आकार का ओवर ब्रिज बनकर कहाँ बनकर तैयार हुआ है, तो कहाँ बनकर तैयार हुआ है सर, ये जोधपुर में बनकर क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। किस आकार का, एच आकार का। फिर क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये थी आज आपकी क्लास, आशा उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छी लगी है तो सर क्लास को क्या करना है, लाइक करना है और लगातार क्या करना है, पढ़ाई करना है। और इस क्लास की PDF कहाँ मिलेगी, क्लास 24 राजस्थान का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इसको स्कैन करके या फिर सर्च कर लीजिए @apnoraj_class24, इसको ज्वाइन कर लीजिए। हर क्लास की PDF आपको मिल जाएगी। बाकी कुछ भी दिक्कत है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, वहां से आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं पर्सनली उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। लगातार पढ़ाई करते रहिए, अपने सपनों को साकार कीजिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वापस अपनी मुलाकात होगी नए सेशन के साथ। और बता दूं कल आपको दोपहर को 12 बजे मैराथन क्लास मिलने वाली है GK की स्पेशल, तो वो भी देखना नहीं भूलना आपको। तो लेता हूं आपसे अलविदा, आप सभी को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।